आज के इस दिन के प्यार भरी नमस्ते आप सभी मित्रों को। मित्रों में आप सभी के मित्र लक्ष्मी देहरादून उत्तराखंड से आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ आपके ही इस छत बगिया में। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छे से होंगे और खूब सारी गार्डनिंग कर रहे होंगे। तो आप सभी के वेलकम के लिए मेरे साथ मेरे ये प्यारे प्यारे से हरे भरे रंग बिरंगे प्लांट्स भी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे मॉस रोज पॉटुला का बहुत ही बेहतरीन तरीके से खिल रहे हैं। हालांकि रंग थोड़ा सा कम है, आप देख सकते हैं ये रानी कलर का और ये देखिए श्वेत और गुलाबी रंग में ये खिले हैं, बहुत ही सुंदर। तो फ्रेंड्स, अभी लगभग सुबह के 11 बजे हैं और मैंने सुबह थोड़ी सी वीडियो शूट की थी, उसके बाद में दोबारा से 11:30 के करीब मैं वीडियो शूट करने फिर से छत पर आई थी, क्योंकि फ्रेंड्स उस समय तक अर्ली मॉर्निंग ये खिले नहीं थे, क्योंकि ये धूप के साथ ही इनका खिलना शुरू होता है। धूप इनके लिए नितांत आवश्यक है खिलने के लिए। तो आप देख सकते हैं दो ही रंग हैं और ये देखिए सुबह का नज़ारा कुछ इस तरह से था। तो देखिए फूलों का कितना महत्व है हमारे बागवानी के लिए। आप देख सकते हैं सुबह का ये नज़ारा है, बिल्कुल फूल नदारद हैं, कलियां हैं लेकिन फूल नदारद हैं। और जैसे ही धूप खिली इनका आगमन हमारी बगिया में हो जाता है और बहुत सारे रंगों में ये इस तरह से खिलखिलाते हुए हमारे जीवन में बहुत कुछ हमें सिखा जाते हैं कि फ्रेंड्स हमें जीवन में किसी भी परिस्थिति का हमें सामना करना पड़े, हमें हमेशा हंसते हुए भी उसका सामना करना चाहिए और इसी तरीके से हमें जीवन गुजारना चाहिए। तो सुबह का काम आप देख सकते हैं, मोगरा भी भीनी भीनी सुगंध लिए मैं इसे महसूस कर पा रही हूँ। और फ्रेंड्स देखिए ये जो हमें डेड हेडिंग के बाद जो ये इस तरह की ब्रांच बचती है टिप की, उसे हमें कट कर देना चाहिए, यहीं से न्यू ब्रांचेस फिर आती हैं। यहाँ पर देखिए टोरेनिया भी हमारा स्वागत कर रहा है। देखिए ये चार रंग मेरे पास टोरेनिया के हैं, बहुत ही सुंदर इस तरीके से। ये देखिए सदाबहार भी है और ये देखिए गुड़हल भी, तो गुड़हल का साइज़ कम हो गया है। ये देखिए ये लाल वाला देसी गुड़हल ये है, तो यहाँ पर आप देखिए ये फूल खिल रहे हैं। तो उसके साथ ही फ्रेंड्स इस तरफ आऊँ तो यहाँ पर क्रॉस सिंड्रा का पुष्प जो कि मैंने कटिंग से अपनी बागवानी में जोड़ा था ये भी खिल रहा है। उसके साथ ही अभी वाटरिंग करके मैं फ्री हुई थी तो मैंने सोचा वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो सुबह भी फ्रेंड्स आजकल तो सुबह 5 बजे तक हम अगर छत पर आ जाते हैं तो ठीक है, अन्यथा 6 बजे 5:45 बजे भी इतनी, ये देखिए कोलियस भी इतने अच्छे तरीके से, ये फ्रेंड्स सीड्स के द्वारा और ये लेंटाना है और ये है 4 o'clock जिसे संध्या फूल कहते हैं। शाम को 4 बजे के बाद ये खिलता है और सुबह तक ये रहता है धूप से पहले। ये देखिए आम मेरा एक सिंगल ही बचा है फ्रेंड्स। इस आम के पौधे में पेड़ में बहुत सारे आम थे लेकिन तूफान के चलते सारे के सारे झड़ गए। ये देखिए देसी कनीर, ये भी बहुत ही भीनी भीनी सुगंध हमारी बगिया में बिखेरता है जहाँ पर भी लगा हो। तो ये मैंने प्लांट लाकर लगाया था। ये है लड्डू गेंदा, तो लड्डू गेंदा के आप देखिए फूल तो लग रहे हैं लेकिन साइज़ देख सकते हैं आप इस तरीके से, इतनी जो तपन है इस धूप की इंसान ही झुलस रहे हैं। तो ये पेड़ पौधे आखिर उसके इतनी तेज़ गर्मी के सम्मुख क्या हैं, आप देख सकते हैं इतने सारे फूल खिले हैं लेकिन साइज़ सबके छोटे छोटे हो गए हैं। ये मेरा गुड़हल है, ये देखिए इस तरीके से फूल इसमें आता है क्रीम शेड में, बहुत ही सुंदर है लेकिन फ्रेंड्स बहुत मेहनत इसके साथ करनी पड़ती है, ये बहुत मतलब मुश्किल से खिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गुड़हल देसी वाला तो सदाबहार है, ये तो बिल्कुल बहुत अच्छे से केवल पानी भी दे दो तो खिल जाता है। और यहाँ पर आप देखिए मैंने पुरानी बेलों को हटा दिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर ये तुरई की बेल जो मेरे ही बगीचे में उगी हुई थी सीड्स के द्वारा स्वतः ही, उनको मैंने इस कंटेनर में इस टैंक में मैंने लगा दिया है। और देखिए इस तरीके से पानी डाल रही हूँ क्योंकि पानी की मोटर मैंने बंद करवा दी है, तो इस तरीके से मग्गे से ले लेकर इनमें डाल रही हूँ। तो 4 प्लांट्स मैंने ये लगाए हैं और देखिए अभी इतनी तीव्र गर्मी में इन्हें बचा भी पाती हूँ कि नहीं, तो देखते हैं। ये पहाड़ी तोरी है फ्रेंड्स, जो धारी वाली तोरी होती है ये वो वाली तोरी है।
और फ्रेंड्स आप सभी से साझा करती हूँ कि किस तरीके से मैं अपने इन पौधों को रंग बिरंगा और हरा भरा बनाए रखती हूँ। बहुत जद्दोजहद का काम तो नहीं है, थोड़ी सी केयर ये चाहते हैं, तो इस तरीके से शावरिंग मैं इन पर करती हूँ सुबह शाम दो बार। तो सुबह का मेरा ये काम है, आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं गमले में तो मैं पहले पानी दे देती हूँ, उसके बाद फ्रेंड्स मैं इस तरीके से सारे प्लांट्स में मैं शावरिंग करती हूँ, जिससे कि इनमें ठंडक बनी रहे और दिन की तेज़ जो धूप है उसे फ्रेंड्स सहने की क्षमता थोड़ा सा इन पौधों में आ जाए। थोड़ी सी नमी अत्यधिक देर तक बरकरार रहेगी तो धूप इन पर कम असर करेगी। तो इस तरीके से मैं सारे प्लांट्स में मैं शावरिंग करती हूँ। पानी प्लांटर्स में तो मैंने पहले दे दिया, लेकिन उसके बाद इस तरीके से शावरिंग करना मैं आवश्यक समझती हूँ। फ्रेंड्स आजकल जहाँ इतनी गर्मी में, जैसा कि हमें पसंद है, हम दिन के तीन तीन बार फ्रेंड्स हम नहा रहे हैं, तो इनको दो वक्त में ज़रूर नहलाती हूँ इन्हें इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से मेरे ये प्लांट तभी इस तरीके से धूप की इस तपन को सहने के लिए थोड़ा सा ये हिम्मत जुटा पाते हैं, ये कहना चाहूँगी। पानी की भी फ्रेंड्स काफ़ी कमी इस समय हो जाती है, मई और जून में पानी की भी बहुत दिक्कत हो जाती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब जैसा हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, हमने इन्हें पाला है तो इनकी भी ज़रूरतों का ख्याल हमें रखना पड़ेगा, थोड़ा सा और एफर्ट हमें देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इतनी गर्मी में भी मेरे देखिए आप डहलिया और ये रोज़ेस इतने अच्छे से खिल रहे हैं। ये देखिए कहाँ इन्हें देख कर लगता है कि गर्मी का प्रभाव इन पर पड़ा है, आप देख सकते हैं इतने अच्छे और अभी भी कलियाँ इनमें बन रही है। ये देखिए कितने सारे गुलाब अभी भी खिल रहे हैं और अभी भी कलियाँ इनमें बन रही हैं। तो इसे ग्रीन नेट के नीचे मैंने, ये देखिए ग्रीन नेट के नीचे फ्रेंड्स मैंने रखा है, और देखिए इस तरीके से बंचेज में ये खिल रहे हैं। देखकर सचमुच इतनी गर्मी में इन्हें देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। ये देखिए तो थोड़ा सा आपसे स्पेशल केयर आजकल ये मांगते हैं और कुछ नहीं, बस पानी। और ये देखिए मेरी नेट तो पूरी फट चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पौधे सारे के सारे अभी भी अच्छी ही ग्रोथ पर फ्रेंड्स चल रहे हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स बहुत सारे रिपोर्टिंग के काम भी मेरे पास हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं उन सभी कामों को डिले कर रही हूँ। जैसे ही बारिश शुरू होगी तो मैं वो सभी काम फिर करूँगी। तो अभी आप बिल्कुल भी रिपोर्टिंग वगैरह आप ना करें। इसके साथ ही फ्रेंड जो ऐसे प्लांट्स हैं जिनके फूल की खिलने के लिए उनको पूरे दिन की सनलाइट चाहिए और वो इसको सहने के लिए सक्षम हैं, उन्हें आप फुल सनलाइट में रख सकते हैं विदाउट नेट। तो जैसे मोगरा हो गया, चांदनी हो गया, तो ये पूरे दिन की सनलाइट को फिर भी झेल सकते हैं। लेकिन बाकी जो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि जीनिया हो गया फ्रेंड्स, उसके साथ ही जेरेनियम हो गया, उसके साथ जैसे कि गुलाब है, ये सभी प्लांट्स को आप ग्रीन नेट के नीचे रखें। तो मैंने तो इन सभी को ग्रीन नेट के नीचे रखा है, लेकिन वहाँ पर भी बहुत ही सुंदर तरीके से ये खिल रहे हैं। मैक्सिकन पेटोनिया मैंने फुल सनलाइट में रखा है, वहीं पर वो अच्छे से चल रहा है, तो उसको मैंने शेड प्रोवाइड नहीं की है। तो फ्रेंड्स खूबसूरत से हैंगिंग प्लांटर्स के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आपके टेरेस गार्डन पर अगर आपने हैंगिंग प्लांटर्स लगाए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर हाइटेड उन्हें आपने हैंग किया हुआ है तो उन्हें आप थोड़ा सा नीचे कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स कहीं ना कहीं बहुत तेज़ जो गर्मी है, जो गर्म हवाएँ हैं, लू है, वो कहीं ना कहीं इन पौधों को भी प्रभावित करती है, जिससे कि पौधों को जलने का खतरा होता है। तो उनको थोड़ा सा आप नीचे कर दें, या तो हो सके तो उन्हें आप शेड थोड़ा सा दे दें, अगर शेड में भी है फिर भी आप उन्हें थोड़ा सा नीचे हैंग कर दें। तो मेरे कुछ ये प्लांटर्स थे जो टेरेस पर थे, तो उनको मैं ला करके अपने मैंने लॉन एरिया गार्डन पर मैंने हैंग कर दिया है। ऊपर से इस पर शेड भी है, उसके साथ ही फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गर्म हवाओं से ये बचे हुए हैं, क्योंकि टेरेस पर अत्यधिक हवा चलती है तो बजाय नीचे के। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर कुछ ये हैंगिंग प्लांटर्स को लगा दिया है। तो आगे फिर उसके बाद जैसे ही मॉनसून कुछ समय बाद आता है, तो उसके बाद आप यथास्थान अपने इच्छा अनुसार अपने पौधों को जगह दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की यूज़फुल शेयरिंग।
कि किस तरीके से मैं अपने पौधों को अभी भी इतना हरा भरा और रंग बिरंगा रखे हुए हूँ। तो इस तरीके से छोटे छोटे टिप्स फॉलो करके आप ही अपने पौधों को इतनी भीषण गर्मी में बचा सकते हैं। इस तरह की यूज़फुल वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लेकर आती रहती हूँ। तो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक नई शेयरिंग के साथ आपसे पुनः मैं मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद आप सभी मित्रों का। हैप्पी गार्डनिंग।